जब दा उड़ पौधो दा कल्या दिल दी नहीं लगदा झील खबेटी तेरे तो बगैर कदा जी सगने अस्सलामुअलैकुम। हम पहुंच चुके हैं खबेकी झील जो वादी सून का हिस्सा है और हाँ यहाँ खबेकी झील की रिजर्वेशन सेंटर पे आए हैं। कोई चीज हर तीन बंदों की जिम्मेदारी है अपने टेंट की, अपने स्लीपिंग बैग की, अपने मैट्रेस की। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आज हमारा दूसरा दिन है, दूसरे दिन की पहले ही सुबह है वादी सून में और खबेकी लेक में। और मैं थोड़ी सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, अभी सुबह का भी वक्त है। ये देखे मुँह धो के आ रहा हूँ, तो ऊपर सर गए हुए थे, मैंने कहा उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? सर आज का हमारा क्या प्लान है? आज हमने कनेटी जाना है। कनेटी जाना है ट्रैक करके। ट्रैक करके जाना है? हाँ जी सर। वो खुश्क तो नहीं है कल की तरह? हमारी टीम है, नहीं सड़क पे जाना है, ये हमारी टीम है। सर कह रहे हैं आज हमने कनेटी जाना है, रात को हमने यहाँ से टेक किया, ये हमारे हमने कैंपिंग की और इधर ही खाना पकाया। और इसके अलावा अभी जो है लेक, लेक का भी आपको व्यू नहीं आ रहा होगा बिकॉज अभी सूरज अरूज भी नहीं है। लेकिन ठंड है यार, पानी बहुत ठंडा है। और इसके अलावा परिंदे तेरे हैं, डक्स हैं और डिफरेंट टाइप्स के परिंदे हैं। जहाँ कल हम गए थे उधर वाटरफॉल्स नहीं थी तो मज़ा नहीं आया, आज जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ वाटरफॉल्स हैं और उम्मीद है आज बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरा मेंटल स्ट्रेस है वो थोड़ा कम हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। आई होप कि मैं मेंटली थोड़ा अपने आप को मजीद एम्पावर कर पाऊंगा।
तकरीबन नाश्ता वगैरह कर लिया, चाय वगैरह पीनी है। अच्छा आपको ये बताता चलो, हमें हमारे टीचर बताते थे केमिस्ट्री के, जब आप हाइट पे जाते हैं ना, यानी ये पहाड़ों की हाइट है, तो वहाँ आपका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो हमने ये एक्सपीरियंस नहीं किया था, यहाँ आके ये एक्सपीरियंस किया है कि जब वाकई हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर कम होता है। बिकॉज हमने रात को खाना बनाया, सुबह से चाय वगैरह बनाई, यानी ये चीज़ें अंडे वगैरह उबाले, हमने ये रियलाइज़ किया कि वाकई टेम्परेचर कम होता है। और जब टेम्परेचर कम होता है तो वो जो भी चीज़ हमने ईंधन पे रखी है वो टाइम लेती है। हमने ऑलमोस्ट यहाँ से फिनिश अप कर लिया है, सामान वगैरह रेडी कर लिया है। मतलब ये है कि हमने आज अपने बैग कैरी करने हैं और हर बंदे ने कैरी करने हैं, यानी हमने आज ट्रैकिंग करनी है तो बैग्स के साथ करनी है। और बाकी जो हमारा स्लीपिंग सामान था वो हमने गाड़ी पे रख लिया है, गाड़ी पे सारा लोड कर लिया है। अब हमने इधर से निकलना है पैदल और कौन सी जगह, कनेटी, कनेटी गार्डन की तरफ जाना है। खबेकी लेक से कनेटी गार्डन की तरफ पैदल जाना है। ट्रैक है वो हम यहाँ से खबेकी लेक से स्टार्ट करेंगे और टोटल इस पॉइंट से लेकर हमारे जो कैंप साइट है टोटल स्ट्रेच बन जाएगा 9 किलोमीटर। और इस स्ट्रेच में मोस्टली हमारा जो ट्रैक है वो ग्रेजुअल है, थोड़ा सा कहीं पे स्टीप होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा जैसे कल हमने किया था। और आज का सारा ट्रैक ऑन रोड है, रोड के ऊपर है। यहाँ से हम मूव करेंगे पुराने रोड पे और वहाँ से खबेकी गांव के अंदर से गुजरते हुए हम ये सामने वाली रिज जो है ये क्रॉस करनी है हमने। पानी जो है वो रास्ते में एक दो गांव आएंगे वहाँ से आपको पानी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपके पास यहाँ पे बॉटल होनी चाहिए जो कि आप साथ लेके चलें। अगर किसी के पाँव में कोई प्रॉब्लम है, ब्लिस्टर बन गया है, तो वो उसके ऊपर उसको टेप कर लें और उसको हम यहीं से ट्रीट कर लेंगे, बजाय इसके अगर रास्ते में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो फिर अलग इशू है। अगर कोई है ऐसा इशू कोई केस तो मुझे बताएं, अभी से बता दें। किसी के पाँव में ब्लिस्टर तो नहीं बने कल के ट्रैक में? नो सर। ठीक है, ऑल ओके है। ठीक है, आपके पास जो आपका बैकपैक है वो जिनके पास है वो ऑब्वियसली कैरी कर रहे हैं, उसमें जो आपकी पर्सनल बिलोंगिंग है, और अगर कोई एक्स्ट्रा लगेज है जो कि हैवी है ऐसे ही आप कैरी कर रहे हैं वो क्योंकि गाड़ी जा रही है उसमें आप रख सकते हैं।